11 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भाई, विच टर्म ऑफ एपी 315 27 39, एपी पहले लिख देते हैं क्या है, 315 27 और 39, चलती जाए, कह रहा 120 ज़्यादा होगी 21st टर्म से, कौन सी इसमें आने वाली टर्म, कौन सी आएगी टर्म जो 120 ज़्यादा होगी इसकी 21वीं टर्म से। मान लो यहाँ पे 21वीं टर्म आती है, उससे 120 ज़्यादा, 120 ऐड करेंगे तो वाली टर्म आ जाए, वो कौन सी वाली टर्म होगी उसका पता लगाना है। ठीक है, तो पहले तो पता है एपी एक सीरीज होती है जो इक्वल डिस्टेंस पे चलती रहती है, इसकी फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है और कॉमन डिफरेंस जिस दूरी पे चल रही है वो डी बोला जाता है। ठीक है, उसको निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन, यानी कि जो ए होता है उसी को ए वन बोलते हैं, तो 15 में से 3 गए 12 बचेगा, यानी बी एक बारी निकालने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है ये एपी है, तो सिर्फ एक बारी सॉल्व करते हैं। जहाँ पे बार बार करा जाता है ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू, वहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ये एपी है। ठीक है, अभी वो खुद बोल रहा है एपी ये है। ठीक है, डी भी निकल गया, 21st टर्म कैसे निकलेगी, तो 21st टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस 21st मांग रहा है तो एक कम 20 और डी मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ये 20 होता तो यहाँ पे आता ए प्लस 19 डी, अगर ये 200 होता तो ए प्लस 199 डी। ठीक है, तो ये ए हो गया 320 और डी हो गया 12 3 12 24, 243 243 है। ठीक है, ये तो पता चल गया 21st टर्म 243 है। अब ये कौन सी टर्म हो जो कि 120 ज्यादा हो इस 21वीं टर्म से, तो लेट हम कहते हैं लेट ए एन विल बी द 120 मोर देन ए 20 टर्म। ठीक है, 21वीं टर्म से 120 ज्यादा होने वाली टर्म ए एन होगी। ठीक है, लास्ट टर्म हम मान लेते हैं, लास्ट टर्म इसमें कोई सी भी मान सकते हैं हम। ठीक है, बीच वाली भी मान सकते हैं, इधर वाली भी मान सकते हैं, क्योंकि ये सब पे काम करता है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला चल जाएगा इस पे, ए प्लस एन माइनस वन डी, कुछ लोग एल से भी लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू डाली 3, वो सॉरी ये कंडीशन तो भूल ही गए, जैसे मैं कंडीशन भूल गया आप भी भूल सकते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे कीजिए। पहले शुरुआत में ए एन, ठीक है, 120 ज्यादा होगी 21वीं टर्म से, 120 ज्यादा यानी 120 जोड़ेंगे 21वीं टर्म में तो ए एन वाली टर्म आएगी जो कि बराबर होती है इसके, इसलिए मैंने ये सब बराबर में लिखे हैं। ठीक है, कोई कहे जी भाई ये सब बराबर में कैसे आ गए, तो ए एन को ही एल बोलते हैं इसलिए बराबर लिखा है। ठीक है, और ए एन का फॉर्मूला ये भी होता है तो ये भी लिखा है। ठीक है, और वो खुद ही कह रहा है कि भाई 120 ज़्यादा 21वीं टर्म से, तो ये भी लिख दिया है। ठीक है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो अब ये सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 डी है 12, ए 243 है, ये 3 उधर गया तो इसे 240 कर देगा माइनस होके, 240 प्लस 120 कितना हो गया 360, ये n माइनस 1 12 है, 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 360 12 दिया 30 हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, एक बढ़ के कितना देगी 31, तो 31st टर्म होगी वो ऐसी टर्म होगी। ठीक है, कौन सी टर्म होगी, 31वीं टर्म होगी जो कि 120 ज़्यादा होगी 21वीं टर्म से, तो आप चाहे तो 31st टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस 30 डी 3 प्लस 12 दिया 36 ओ सॉरी 363, ठीक है,
कितनी ज्यादा है, 120 ज्यादा है, ठीक है। ये 31st टर्म होगी जो कि 120 ज्यादा होगी 21वीं टर्म से, तो देख लो 120 ज्यादा है।